दोस्तों आईपीएल 2019 का मैच नंबर 18 खेला जाना है चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपनी विनिंग स्ट्रीक खोई है। लास्ट मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये हारे हैं, तो वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के पहले मुकाबले की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, हेड टू हेड मैचेस में किस टीम का पलड़ा भारी है, पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, की प्लेयर्स देखेंगे, प्लेयर बैटल देखेंगे और नंबर 6 पर ड्रीम 11 की टीम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें इससे पहले दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नॉस्टर प्रो ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं कि दोनों ही टीम्स की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, तो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को देखते हैं तो जो रहने वाली है अंबाती रायडू, सेन वॉटसन, सुरेश रैना, केदार जाधव, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, हरभजन सिंह, इमरान ताहिर और स्कॉट कुगलेन। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की, जहां पर आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो वो दिखाई दे रहे हैं हरभजन सिंह का और ड्वेन ब्रावो का। ड्वेन ब्रावो बाहर हो चुके हैं और जिस प्रकार से इनकी ये इंजरी है, ऐसे में ये आज का मुकाबला मिस कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर स्कॉट कुगलेन खेलने वाले हैं। तो वहीं पिच के हिसाब से बॉलर को पिक किया जाए तो हरभजन सिंह की जगह इस प्लेइंग 11 में बन रही है। तो ये दो चेंजेस देखने वाले हैं आज के मैच की चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में। तो वहीं बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की, तो वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से क्रिस गेल की फिटनेस पर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में क्रिस गेल की यहाँ पर वापसी होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो प्लेइंग 11 देखते हैं तो केएल राहुल, सैम कुर्रन, मयंक अग्रवाल, सरफराज खान, डेविड मिलर, मनदीप सिंह, हार्डस विलोयन, रविचंद्रन अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, मुर्गन अश्विन और मोहम्मद समी, ये प्लेइंग 11 रहने वाली है किंग्स 11 पंजाब की टीम की। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड मैचेस की, हेड टू हेड मैचेस में किस टीम का पलड़ा भारी है, तो अब तक दोनों ही टीम्स के बीच में 20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 और किंग्स 11 पंजाब की टीम ने 8 मैचेस जीते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, टॉस पर कितना डिपेंडेंट होने वाली है पिच, इस सीजन चेपॉक की पिच स्लोअर साइड दिखाई दे रही है और स्पिन फ्रेंडली पिच दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने पहला मैच देखा था चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ा था, तो ऐसी ये पिच रहने वाली है, यानी स्पिन फ्रेंडली रहने वाली है और स्कोर भी यहां पर लो आपको दिखाई देने वाला है। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स के की प्लेयर्स की, जिन्हें आप ड्रीम 11 या फिर किसी भी फैंटेसी लीग में ट्राई कर सकते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रहने वाले हैं सेन वॉटसन, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, एमएस धोनी, ये 4 की प्लेयर्स रहने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से। तो वहीं किंग्स 11 पंजाब के की प्लेयर्स की बात करते हैं तो जो रहने वाले हैं सैम कुर्रन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और डेविड मिलर। तो इस प्रकार से की प्लेयर्स रहने वाले हैं दोनों ही टीम्स के। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं प्लेयर बैटल की कि इस मैच में क्या प्लेयर बैटल हमें देखने को मिलने वाली है, तो पहली प्लेयर बैटल देखने को मिलने वाली है वो मिलने वाली है सुरेश रैना और रविचंद्रन अश्विन की। कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है सुरेश रैना का रविचंद्रन अश्विन के सामने। तो वहीं दूसरी प्लेयर बैटल देखने को मिलने वाली है वो मिलने वाली है सैम कुर्रन और सेन वॉटसन के बीच में। हालांकि आईपीएल में तो इनका आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन जो भी दूसरी कंट्रीज की लीग्स चल रही थी, ऐसे में सैम कुर्रन और सेन वॉटसन के बीच में काफी आमना सामना हुआ है और सैम कुर्रन के सामने सेन वॉटसन फंसते हुए दिखाई दिए हैं। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो वो आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है, वो आपको मिलने वाली है आरएस एंटरटेनमेंट ड्रीम 11 चैनल पर जो बनाया गया है टेलीग्राम पे। तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक दी गई है, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए और लगातार ड्रीम 11 की टीम पाते रहिए और बेनिफिट्स उठाइए। और वहां पर डेली क्विज कॉन्टेस्ट हो रहे हैं जिनमें आप डेली पेटीएम कैश जीत सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करूं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन की कि क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है इस मैच के लिए, तो मेरी फेवरेट तो
इस मैच के लिए आपकी तरह चेन्नई सुपर किंग्स रहने वाली है और हेड टू हेड मैचेस में इस टीम का पलड़ा भारी है। चिपॉक के स्टेडियम में इनका अच्छा रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैच जीतने वाली है। लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और IPL से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्लेइंग 11 वीडियोस, प्रिडिक्शन वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ ड्रीम 11 की टीम पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।